नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जयपुर में पुलिस उपायुक्त यातायात के निर्देशन में आमजन को यातायात का सुगम संचालन और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत राजकीय महाराजा वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय जयपुर और सेंट माइकल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुभाष चौक जयपुर में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी के साथ अच्छा मददगार बनने, ट्रैफिक मार्शल बनने, यातायात संकेतों के साथ ही वाहनों को स्टॉप लाइन की पालना करने जैसे नियमों के बारे में जानकारी दी गई। यहाँ हेलमेट का स्ट्रिप लगाने और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करने की समझाइश भी की गई। पंपलेट पोस्टर वितरित किए गए, नियमों की पालना के लिए शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम स्कूल के प्रधानाध्यापक तथा समस्त स्टाफ सहित वर्गों के सांस्कृतिक संस्था के संयोजक भी उपस्थित थे। लेकिन 18 वर्ष से पहले बिना लाइसेंस आप अगर वाहन चलाते हैं तो जो 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हुआ है उसमें एक नया नियम जोड़ा गया है 199A। वो ये कह रहा है अगर आप नाबालिग आप वाहन चला रहे हैं तो आपके पेरेंट्स को 3 साल की सजा है। वाहन स्वामी कौन है? अपने पेरेंट्स ही, इसलिए उनको 3 साल की सजा है, 25,000 रुपये जुर्माना है। और जब तक आप 25 वर्ष के नहीं हो जाएंगे तब तक आपका लाइसेंस नहीं बन पाएगा और उस वाहन निलंबित हो जाएगा।